क्या आपको पता है कि हम इंडियंस बैंकों में कितना पैसा रखकर भूल चुके हैं? ये अमाउंट है 42,270 करोड़। जी हाँ, चौंक गए ना, ये राशि हवा हवाई नहीं है। सरकार ने खुद इस बात का खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते एक साल में बैंकों में जमा अनक्लेम्ड राशि 28% बढ़ गई है। 31 मार्च 2022 तक बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट सिर्फ 32,934 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में करीब 10,000 करोड़ का इजाफा। दिसंबर 2019 में तो ये 18,379 करोड़ रुपए था। अब जान लेते हैं कि इस अनक्लेम राशि का होता क्या है। तो रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बैंक खाते में अनक्लेम डिपॉजिट के पड़े रहने के बाद बैंक इस रकम को आरबीआई के डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस में डिपॉजिट कर देती है। अब जान लेते हैं कि किस बैंक के पास सबसे ज्यादा लावारिस पैसा है। तो सरकार ने बताया है कि सबसे ज्यादा लोग सरकारी बैंक में पैसा रखकर भूल चुके हैं। 31 मार्च 2022 तक सरकारी बैंक में 27,921 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंकों में 5,013 करोड़ रुपए अनक्लेम थे। 31 मार्च 2023 तक सरकारी बैंकों में ये राशि बढ़कर 36,185 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंकों में 6,087 करोड़ रुपए हो गया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के पास 8,069 करोड़ रुपए की अनक्लेम डिपॉजिट वाले 2.16 करोड़ खाते हैं। 5,298 करोड़ के साथ पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर पर है। हैरानी की बात यह है कि वर्तमान जमा 2019 से लगभग 5 गुना बढ़ गया है। निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक के पास दिसंबर 2022 तक 1,074 करोड़ के 31.8 लाख खाते हैं। एचडीएफसी बैंक के पास भी 447 करोड़ रुपए जमा है, जो 2019 से 2 गुना हो गया है। विदेशी बैंक डीबीएस बैंक, जिसने लक्ष्मी विलास बैंक का अपने साथ विलय कर लिया, उसके पास अनक्लेम अमाउंट 2019 के 0.5 करोड़ से बढ़कर 2022 में 94 करोड़ रुपए हो गया है। अगर आपको पता चलता है कि आप भी कुछ पैसा बैंक में जमा करके भूल गए हैं, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर बैंक खाता धारक एक ही जगह पर विभिन्न बैंकों में जमा राशि को एक ही जगह पर पता कर सकते हैं। शुरुआत में देश के 7 प्रमुख बैंकों को उद्गम पोर्टल के साथ जोड़ा गया था। अब रिजर्व बैंक ने 23 और बैंकों को इस पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। इस तरह उद्गम पोर्टल से जुड़े हुए बैंकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। आइए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि उद्गम पोर्टल पर जानकारी लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले उद्गम पोर्टल पर आपको rbi.org.in लिखकर सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के नाम पर खाता और नॉन इंडिविजुअल यानी अगर किसी संस्था या ग्रुप के नाम पर खाता है तो। सही ऑप्शन चुनने के बाद खाताधारक से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ पर आपको नाम, इसके अलावा पहचान का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा, जैसे कि पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, वो सब आपको इसमें दर्ज करना होगा। अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा। अगर आपके नाम पर किसी बैंक में पड़ा कोई भी अमाउंट होगा जिस पर लंबे समय से कोई दावा नहीं किया गया है, तो उसकी डिटेल आपको उस विंडो पर दिखाई देगी। इस प्रकार बैंकों में जमा 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि में आपका भी पैसा है, तो तुरंत उद्गम पोर्टल पर जाकर अपने पैसे की जानकारी लेनी चाहिए और आवश्यक केवाईसी की मदद से पैसा वापस पाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।